हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमज़ा अली ज़फ़र और ये मेरे व्लॉग नंबर 7 है। अभी तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और अभी तैयार होना है, उसके बाद फिर निकलना है। 5 बजे गैदर होना है सब अपनी जगह पे, तो अभी तैयार होते हैं फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। पीस। और अभी सारे के सारे गैदरिंग पे पहुंच चुके हैं। शायद मैं ही लेट हूँ सबसे, या मैं उसामा से पहले हूँ। उसामा सबसे लेट है मेरे ख्याल में। शाजिफ की अभी कॉल तो आई थी, तो अभी पहुंच के पता चलेगा कि कौन पहले है और कौन एंड पे है। हाँ जी, तो अभी हम सी पैक पे पहुंच चुके हैं। अभी ड्रोन शॉट्स ले लिए हैं। ड्रोन शॉट्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं, जाहिर सी बात है, हर बी रोल के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी सारी नौजवानों की भीड़ में मैं सिर्फ 5 नौजवानों को जानता था। शाजिफ, नातिक, उस्मान, उसामा और शरिया। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद शाजिफ। शाजिफ और मैं स्कूल फेलोज थे। शाजिफ स्कूल छोड़ गया था जब वी वर इन 6th क्लास आई थिंक सो, और 2010 में वो छोड़ के गया था और अब 2020 है, तो 10 साल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है शाजिफ की और मेरी। अब शाजिफ की मिसाल इस तरह मैं देना चाहूँगा कि हर क्लास में 2 टॉपर्स का ग्रुप होता है अलग अलग। हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे ही सीन था। एक टॉपर था जैन तारिक, उसका ग्रुप था। एक था शाजिफ, उसका एक अलग से उसकी फौज थी। तो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक टसल सी थी। अब मैं जैन तारिक के ग्रुप में था, लेकिन शाजिफ से भी थोड़ी गपशप थी। अब इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन इन दी एंड वही बात है कि लड़ाई में भी प्यार होता है। और अब वही जैन, वही शाजिफ, वही मैं, वही दिशान हैदर, हम सब एक ही जैसे हैं, भाई हैं सब। और अब बारी है नातिक। अब मैंने और नातिक ने एक ही स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन हम दोनों ने एक ही एकेडमी में पढ़ा, तो वहाँ से नातिक के साथ थोड़ी दोस्ती वगैरह शुरू हो गई। और नातिक की वजह से उस्मान भी दोस्ती में शामिल हो गया। अब बारी है उसामा की। उसामा और मैं भी एक ही एकेडमी में पढ़ते थे, एक ही टीचर के साथ, विच वॉज लाइक मोर देन अ ब्रदर। टीचर से ज़्यादा वो हमें भाइयों की तरह थे, क्योंकि 3-4 साल बड़ी थी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसामा के साथ वहाँ से दोस्ती शुरू की। और शरियार भी वहीं आता था एकेडमी में, तो शहरी के साथ भी वहीं से दोस्ती का आगाज़ हुआ। और ये थे मेरे 5 वो नौजवान जो मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा थे, जिन्हें मैं जानता था। वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन जिन्हें मैं पर्सनली जानता था, जो मेरे दोस्त याद थे। और ये मेरे ख्याल में लाइक कोई छोटा सा ऑटो शो बन रहा है कि 3 वीडियोग्राफर लगे हुए हैं शॉर्ट्स एक परफेक्ट बी रोल बनाने में, शाजिफ, मैं और उसामा।
और बाय द वे ये कोई फाइनलाइज शूट नहीं, ये जस्ट एक प्री शूट था, क्योंकि हमारा मेन फाइनल शूट वेनसडे ये थर्सडे को होगा स्कॉट 007 का, जिसके अंदर काफ़ी सारी सिविक्स होंगी। आई होप सो 5 सिविक्स होंगी और सिर्फ सिविक्स होंगी, क्योंकि सिटी को ऐड करने का हमारा इरादा फिलहाल तक नहीं है। देखेंगे, हालात पे डिपेंड करते हैं, अगर मूड बना तो ऐड कर लेंगे, हुंडई ही तो हैं दोनों। एंड दिस इज़ फॉर एक्नॉलेजमेंट, कुछ ड्रोन शॉट्स मैंने लिए, कुछ ड्रोन शॉट्स शाजिफ ने लिए, और लोअर प्रोफाइल के जितने शॉट्स भी थे वो उसामा के थे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, पीस एज इज आउट।